सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बड़ी अजीब सी न्यूज़ मुझे पढ़ने को मिली कि बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान प्रोफेसर फिरोज खान को 5 नवंबर को अपॉइंट किया गया कि वो संस्कृत पढ़ाएं। एक जबान है संस्कृत, कोई भी पढ़ा सकता है जिसको पढ़ानी आती है। और यूनिवर्सिटी वाले बहुत इंप्रेस थे फिरोज खान से कि इतनी कम उम्र में, 29 साल की उम्र में संस्कृत के ऊपर एक मुसलमान होते हुए इतना कमाल, इतना उबूर। तो उन्होंने अपॉइंट कर लिया। अच्छा, इनका ताल्लुक जो है ना फिरोज खान का, ये जयपुर के करीब एक गाँव से है और इनके वालिद रमजान खान वहां पर रहते हैं और वो भी एक अरसे से संस्कृत के अंदर माहिर भी हैं और वहां पर मशहूर भी हैं। और फिरोज खान को अपॉइंट किया गया तो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है वहाँ के तलबा जो राइट विंग हिंदू एक्टिविस्ट हैं वो मुजाहरे पर आ गए, सड़क पर आ गए। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान हमें हमारी वो भाषा सिखाएगा जो हमारी धार्मिक भाषा है, हम मुसलमान को अपनी धार्मिक भाषा नहीं सिखाने देंगे। यानी एक अजीब सी चीज़ देखने में आई है कि इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन, इतना ज्यादा तासुब। ये तो जबान है, कोई भी सिखा सकता है, जबान ही है ना। कितने हिंदू कवि हैं जो उर्दू में कविता कहते हैं, उनके ऊपर तो किसी ने आरोप नहीं लगाया कि आप उर्दू में कविता क्यों कहते हैं। मर्जी है, उर्दू में कहते हैं। कितने सिख हैं उर्दू में कविता कहते हैं। तो अब ये चक्कर है कि यूनिवर्सिटी ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। उन्होंने कहा जी अपॉइंटमेंट हो गई है फिरोज खान जी की, ही इज अ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड दे आर नॉट बैकिंग आउट। फिरोज खान अलबत्ता बड़े हाइड आउट में, बड़ी मुश्किल में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस चीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करें। और वो कह रहे हैं मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था संस्कृत जो 3500 साल से भी पुरानी जबान है वो एक जबान है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी सिखा सकता है, शिक्षा है। तो अब इसको लेकर के, अच्छा जो रमजान खान है ना उनके गांव में भी हिंदू सारे रमजान खान के ही सपोर्ट में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम रमजान खान के साथ हैं, ये क्या बात हुई कि अगर कोई मुसलमान है तो वो संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात देखने में आई है। और शेष शायद कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जिनके जहन में सारा वक्त नेगेटिविटी चलती रहती है, उसी का ये असर है। क्योंकि सारे भारत में ऐसे तंग नज़र लोग नहीं रहते, तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपसे इस बारे में, इस वाक्य को डिस्कस करूं कि ये बड़ा अजीब सा वाक्य मेरे सामने आया। मैंने सोचा भी नहीं था कि एक जबान को लेकर के कोई इतना इशू बना सकता है। मैं आई होप कि फिरोज खान का ये इशू रिजॉल्व हो और वो वापस अपनी पोस्ट के ऊपर आकर लड़कों को, बच्चों को जो है संस्कृत की तालीम दें। इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, अ वेरी ओल्ड लैंग्वेज। तो आई विश ऑल द बेस्ट फिरोज खान एंड द यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इसी तरह आप हमारे ट्विटर के अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर भी आप हमारे एक से ज़ायद पेजेस हैं, एक इंग्लिश में एक उर्दू में, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं और इन और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।